गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द नंबर वन व्लॉगिंग चैनल इन इंडिया। भाई एवरी टाइम मैं ऐसे चिल्लाता हूँ मेरे को खांसी आ जाती है, तुम लोगों को लगता है कि भाई मेरे को कोई बीमारी है। माइट एज वेल बी, आई डोंट केयर। तो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द शूट ऑफ द प्लेग्राउंड्स। मैंने यूट्यूब में अभी तक पब्लिकली नहीं बताया, बट यस, योर बॉय इज इन प्लेग्राउंड्स। इट्स अ रियलिटी शो, तुम लोगों को इसके बारे में पता चल चुका होगा ऑलरेडी। सो राइट नाउ मी एंड टू मोर ब्रदर्स वी आर गोइंग टू द गेमिंग रियलिटी शो। मेरा एपिसोड अमेजॉन टीवी पे आ गया, अगर यूट्यूब पे भी आ गया होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके मेरा एपिसोड चेकआउट करो एंड गो सपोर्ट योर बॉय। तो अभी पहले मैं जल्दी से अपना रूम थोड़ा सेट करता हूँ, फिर मेरे को 28 डेज, मतलब मैं 28 डेज के लिए उधर जा रहा हूँ शूट के लिए, तो मेरे को 28 डेज की कपड़े संभालने उस पे। भाई इतने तो कपड़े नहीं है मेरे पे। भाई मैं दो दिन एक टी शर्ट पहनता हूँ, उसके दो दिन इसी टी शर्ट को उल्टा करके पहनता हूँ, अब मैं किसी शो के लिए कहाँ से कपड़े ला जाऊं भाई। तो भाई मेरा एक लगेज और ये बैग मैं कैरी करूंगा। मेरे को याद तो आएगी मेरे घर की यार। ऑल्सो टू एवरीवन वॉचिंग, देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं शो जीतूं तो तुम लोगों को वोट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वोटिंग कैसे होगी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जैसी होगी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सो कीप फॉलोइंग मी हियर एंड कीप सब्सक्राइबिंग मी हियर, इधर फॉलो मत करो, कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी मैंने कर ली बकवास बहुत ज्यादा, अभी मैं जरा पैकिंग जल्दी करता हूं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। भाई मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है, मैं वो बैग ले जा रहा हूं, वो लगेज और ये। ब्रदर्स कम लास्ट टाइम इन ब्रदर हाउस। भाई देखो उम्मीद है हम 28 डेज तक रुके, हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है कुणाल से वापस मिलने की। क्या हो गया कुणाल? भाई अस्टूफ आई एम गोइंग टू मिस यू बेबी, प्लीज टेक केयर। भाई मेरे को बहुत बुरा लग रहा है स्टूफू को अकेला छोड़ के जाने में, बट व्हाट कैन आई डू स्टूफू। लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। भाई वन लास्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। बाय स्टूफू, बाय, लेट्स गो। अभी भाई यहाँ होपफुली एक महीने बाद आएंगे हम लोग शो जीत के, दैट इज। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, हम लोगों को 2 बजे वहाँ पहुंचना था और एज यूजुअल हम लोग लेट है, अभी 2:30 बज रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया है, सभी आ जाएंगे। कुणाल आ जा, बहुत जगह है। बाय गाइस, बाय बाय। सो टू एवरीवन, ब्रदर्स हैव फाइनली लेफ्ट फॉर द प्लेग्राउंड हाउस। अभी हम लोग सीधा होटल में जाएंगे, उधर हम लोगों को 2 दिन रुकना है, तीसरे दिन हम लोगों का ऑक्शन होगा, उसके बाद विल फाइनली एंटर द हाउस। डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, अगर तुम लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो जाके पुरानी व्लॉग्स भी देखो, मैं एक हफ्ते से लेजिट डेली डाल रहा हूँ और मैं अगले एक महीने तक डेली डालूंगा। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन में, यहाँ पे हम लोगों को ब्रीफिंग देंगे और हमें कोई आइडिया नहीं यहाँ पे क्या होगा, बस 2 दिन हम लोग एक महंगे होटल में रुकेंगे वापस से फ्री में। भाई मैं तो ऑनेस्टली फ्री खाने और फ्री स्टे के लिए शो पे आ गया हूँ, पता नहीं ऑडिशन में भी मेरे से 10 सवाल पूछ लिए फ्री खाने के लिए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये क्या कर रही है, क्या हो गया? स्नैपचैट फिल्टर है गाइस, ये फिल्टर लगाया मैंने अजीत के ऊपर। रुक जा, हटा रहा हूं। अरे जब बढ़िया लग रहा है। चलो बॉयज, चलो अभी मैं बहुत ही अच्छे होटल में जा रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ी अपनी बदतमीजी साइड में रखनी पड़ेगी। तो भाई हम लोगों को अपना रूम अलॉट हो गए, लेकिन इन्होंने हम ब्रदर्स को अकेला अकेला अलग अलग छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है भाई स्कूल टाइम्स में हम बच्चा होता ना, मैं जो 10th स्टैंडर्ड में आता है सारे ग्रुप तोड़ देते हैं, ऐसे हम तीनों को अलग अलग डाल दिया। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट वासु भाई के रूम में। भाई रूम तो यार एक्चुअली नॉट बैड, थोड़ा ऐसा डार्क शेडी सा रूम दिया है तुमको भाई। तो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ खास बताया नहीं, सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे आ गए, हमको कुछ मतलब ब्रीफिंग देंगे शो के बारे में कि शो में क्या थोड़ी तमीज से रहना है। वाओ भाई इधर फ्री खाना दे रहे हैं, फ्री खाने के लिए तो आया हूँ मैं शो में। भाई हमारी चाय होगी, अभी होगा मेरे रूम का रिव्यू। मैं जो भाग के आया ना अभी, पता नहीं क्यों भाग के आया स्पीड में। वाओ, अरे ट्विन बेड, ट्विन बेड। भाई इतना ज्यादा खुश हूँ मैं ट्विन बेड देख के अभी। भाई मैं क्योंकि बहुत बुरे तरीके से सोता हूँ भाई, मेरे टांग सर के ऊपर चली जाती है। भाई मेरा रूम पार्टनर सत्यम भाई, आई होप आपको रात को मेरे से मजा आए, मैं डांस वांस भी करके देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। भाई यार हम लोग डिजर्व नहीं करते ऐसी अच्छी जगह यहाँ पे। भाई मेरे को वो होता है ना इनफेरिटी का, वही जो बोला था मैंने उस दिन, भाई होता है भाई बहुत इंटीरियर होता है मेरे को यार। तो ना हमारे कुछ तो आउटफिट सिलेक्शन हो रहे हैं क्योंकि हम लोग 30 डेज के लिए शो में रहेंगे, तो हम लोगों को अराउंड 30 आउटफिट उन लोगों को दिखाने हैं अभी। तो शो वालों एक आउटफिट दिखाने अपने रूम से निकल के, पूरी इतनी बड़ी लॉबी चढ़ के लिफ्ट से नीचे जाना पड़ता है 2nd फ्लोर पे उनको अपना आउटफिट दिखाने के लिए, मेरे को वहाँ पे रैंप वॉक करना पड़ता है, इतना जलील होता हूँ मैं सबके सामने। बट इट डजंट मैटर क्योंकि भाई शो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, so happy to be a part of it। अरे rockstar, ये अब तो मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मेरा लास्ट आउटफिट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो हमको स्टाइलिश देख रही है मेरे को बहुत ज्यादा बीटी दे रही है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्वीट है। मेरी लास्ट शर्ट में क्या था कि बहुत सारे ऐसे चेक्स बने हुए थे, तो वो कैमरे में जिटर करते हैं अपेरेंटली, तो भाई उसमें मेरी क्या गलती, इतने प्यार से मैं खरीद के लाया था उसको कि भाई ऑक्शन डे पे पहनूंगा, तभी मैंने एकदम ही प्लेन सी टी शर्ट पहन ली। ये जो मौके दिखा दे जिटर, इसमें नहीं है लाइंस, जिटर होगा ये भाई।
किसी का नहीं होने दूंगा भाई मैं जिटर। बेटे तुम्हारे भाई ने आउटफिट सिलेक्ट करवा ली। माय टू आउटफिट्स आर डन। अराउंड 30 में से 2 माइनस कर लो भाई, इतनी मैथ्स होनी पड़ी मैंने। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार कि मैं कितना ज्यादा ही कुछ गंवार सा लड़का हूँ। मतलब बेसिक एजुकेशन से जो मेरे को चीजें सिखाई जाती है मेरे को वो भी नहीं आती भाई। भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है, मैंने अपने 12 आउटफिट्स को प्रूव करवा लिए, मेरी पूरी अटैची यहाँ पे खुल रखी है, मेरे से और कपड़े नहीं बदले जा सकते। भाई मैं इतना ज्यादा मर चुका हूँ ना इस वक्त, मेरा कैमरा तक एंगल में नहीं है। भाई कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई वैसे? मैं तुम लोगों को बताना चाहता कि मैं ये व्लॉग्स क्यों बना रहा हूँ। मैं ये बना रहा हूँ कि तुम लोग भाई अमेज़न मिनी टीवी और यूट्यूब पे तो एपिसोड्स देख ही रहे हो, तो मैं तुम लोगों को ऐसा इनसाइट देना चाहता हूँ कि वो एपिसोड बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। लाइक प्रोडक्शन टीम तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोगों से ज्यादा, लेकिन हम लोगों के भी ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है जो तुम लोगों को नहीं पता। लाइक मेरे को कभी भी नहीं पता था कि ऐसे आउटफिट्स पहन के दिखाने पड़ते हैं, ऐसा ट्रायल होता है। तो ये सब भाई मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। मैं पहाड़ों से आया हूँ, मैं उत्तराखंड से मुंबई आया हूँ, उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं 2 साल पहले तक पहाड़ों में पल रहा एक बच्चा था, मेरे इतने सपने नहीं थे, लेकिन अब मेरे सपने शायद मैं जितना डिजर्व करता हूँ उससे ज्यादा बड़े हैं। बट बॉय आई एम गोइंग टू वर्क सुपर हार्ड टू अचीव देम ऑल। और मैं वही चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर हंगर है ना एक, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता उसको अचीव करने के लिए। मतलब भाई ये शो में भी ऐसा नहीं है कि भाई हमारे फॉलोअर्स से तो हम लोग डायरेक्ट आ गए भाई, इसके लिए हमारे जीडी राउंड्स हुए। मतलब जीडी का था ग्रुप डिस्कशन हुआ, मतलब जो तुमने ऑडिशन देखा ना उस तक पहुंचने से पहले भी 3 राउंड हो चुके थे, उसके बाद हम लोग ऑडिशन के लिए आए। ऑडिशन में भी तुम्हें अगर रियलिटी बताऊं ना तो ज्यादा लोग आए थे, लेकिन तुम लोगों ने उतने लोगों का देखा जितने लोग सिलेक्ट हुए। तो मतलब ऑडिशन आने के बाद तक भी कितने लोग सिलेक्ट हुए थे नहीं पता। जब हम लोग जीडी राउंड में थे ना, मिलियन, 2-2 मिलियन, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स वाले लोग आए थे। मतलब ऐसे लोग आए थे जिनको मैं खुद फोन में देखता हूँ। अभी मेरे इतने सारे आउटफिट्स अभी भी बाकी है भाई, क्या रेड पट रखी है मेरी। मैंने ना जैसे इसको खोला ना, एक्सप्लोजन हुआ है मेरे कपड़ों का। तो जितने भी सारे मेंटर्स हैं, कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, मॉडल और स्काउट, वो लोग कल आएंगे, तो आई डोंट नो शायद हम लोग उनसे मिल पाए। अगर उन लोगों का होटल अलग होगा तो शायद नहीं मिल पाएंगे, बट अगर उन लोगों से मिलना हुआ तो मैं ऑब्वियसली तुम लोगों को दिखाऊंगा, मिलाऊंगा और ऑफकोर्स वीडियो के टाइटल में तो डालूंगा ही। उसके बाद 23 को लाइव ऑक्शन है जो तुम लोग यूट्यूब में देखोगे। मेरे व्लॉग शायद 2 या 3 दिन लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं जिस दिन एपिसोड का शूट करूं उसके अगले दिन ही व्लॉग डाल दूं। बट भाई तुम लोगों को ना एक चीज याद रखनी है, ठीक है? तुम्हारा भाई तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो पे आए, तुम लोगों को बस मेरे लिए वोट करने हैं। इतना सा काम है तुम लोगों का, मेरे को वोट्स देने हैं। तुम लोगों को अपने ट्यूशन ग्रुप, स्कूल ग्रुप सब पे डालना है कि मेरे को वोट्स देने हैं। चलो भाई मैंने बहुत ज्यादा बकवास कर ली, अभी मैं जाता हूँ अपने पूरे आउटफिट्स कंप्लीट करता हूँ, यही सेम रूट कुछ 1000 बार तय करने के बाद। तो भाई अब मेरे शातिर दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना मैं अपने कपड़े नीचे जो क्लोजेस्ट रूम है उनमें रख दूं एंड फिर अब धीरे धीरे चेंज करूं। पता नहीं इतना लेट क्यों आया ये आइडिया। My bestie, my man, Rane have come around 12 hours late. भाई ये क्या privilege है? 500 के followers वालों को late बुलाते हैं। Rane को बुली किया जा रहा है। सब इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि इस point पे कुछ भी हो रहा है। हमारी already इतनी ज़्यादा floor से complaint आ चुकी है, तो आज का दिन यहाँ पे end होता है। कल हम लोगों का content briefing होगा, कल शायद हम लोग mentor से मिल पाए और मैं अपने title पे डाल पाऊँ उन्हें। Till then thank you so much for watching. I'll see you all in the next one. Bye, बोल Rane. हाँ, next one. अच्छे से बोल भाई। Thank you so much for watching. Streams much.